इधर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग नए नए तरीके अपना रहा है। इस बार राजस्थान के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने हर जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का तरीका निकाला है, जो मतदाताओं के मतदान के लिए जागरूक करेंगे। इसके लिए कलेक्टर्स ने जिले के नामी लोगों के आयोग को नाम भेज दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रदेश में स्वीप गतिविधियां करवाई जा रही हैं। निर्वाचन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स ब्रांड एम्बेसडर के लिए नाम मांगे थे, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद 5 जिला कलेक्टर्स ने नाम नहीं भेजे, मतलब 33 में से 28 जिलों के कलेक्टर्स ने आयोग को नाम भेजे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2018 के स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न जिलों में और राज्य स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए प्रावधान किया गया है। अधिकांश जिलों से ब्रांड एम्बेसडर्स की सूचना प्राप्त हुई है, जो निर्वाचन विभाग से अनुमति होने के उपरांत उसमें कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कुछ जिलों से सूचनाएँ नहीं आई, जल्दी ही उन जिलों को ताकीद की गई कि अपनी सूचनाएँ भेजें। कार्रवाई की जाएगी उन पर? अभी उनको लिखा गया है कि तुरंत इनमें कार्रवाई करके अपनी सूचना भेजें। 28 जिले में 33 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 19 स्पोर्ट्समैन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि पत्रकारिता की फील्ड से भी एक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि 5 जिला पाली, हनुमानगढ़, भरतपुर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में से 2-2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जबकि 5 जिला अजमेर, जोधपुर, करौली, सिरोही और टोंक से नामों की सूची नहीं आई है। अलवर यूसुफ खान, भूपंग वादक, बांसवाड़ा दिशांत याज्ञिक क्रिकेटर, बारा उमेश मालव, बाड़मेर मोती खान इंडियन आइडल के प्रतिभागी, भीलवाड़ा अशोक टेलर अध्यक्ष राजस्थान निःशक्त जन विकास एवं अधिकार संरक्षण समिति, बीकानेर मानसी सिंह पवार नृत्यांगना, बीकानेर संदीप भोजक अभिनेता, चित्तौड़गढ़ दिलीप सिंह इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल प्लेयर, चित्तौड़गढ़ इंद्रबल प्रजापत इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल प्लेयर, हनुमानगढ़ सुखबीर कौर वॉलीबॉल, हनुमानगढ़ ऋषभ जैन सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग, भरतपुर सियाराम फौजदार डीडी माध्यमिक शिक्षा विभाग, भरतपुर उधम सिंह तीरंदाज, पाली हिना सुमेरपुर स्पोर्ट्समैन, पाली विधि राज पुरोहित स्पोर्ट्समैन, बूंदी धर्मेंद्र गौतम स्पोर्ट्समैन, चूरू मंजू बाला स्वामी हेमर थ्रो, दौसा महेश आचार्य लिटरेसी कैंपेन, धौलपुर धनंजय त्यागी कराटा, डूंगरपुर जयंती लाल नानोमा तीरंदाजी, श्रीगंगानगर गुरुविंद सिंह जूडो, जयपुर राजू ढाका कबड्डी प्लेयर, जैसलमेर मनीष रामदेव पत्रकारिता, जालौर मदन राज बोहरा सोशल वर्कर, झालावाड़ माया कुमार ब्रांड एम्बेसडर, झुंझुनू ओम प्रकाश कृष्णिया स्पोर्ट्समैन, कोटा बजरंग लाल ठाकर पद्मश्री से सम्मानित, नागौर श्याम माथुर ब्रांड एम्बेसडर, प्रतापगढ़ महेश राज सोनी ब्रांड एम्बेसडर, राजसमंद जगदीश तैली तैराक, सवाई माधोपुर पूजा अग्रवाल ब्रांड एम्बेसडर, सीकर रितु भारोत्तोलन, उदयपुर गौरवी सिंहवी तैराकी। ये सभी ब्रांड एम्बेसडर मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे, साथ ही उन्हें वोट की कीमत के बारे में जागरूक करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर के लिए निर्वाचन विभाग ने जिलों से साफ छवि और पहचान रखने वालों के नाम मांगे थे, जिनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा गया था, जिससे ये साफ हो सके कि जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है उस पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। आगामी चुनाव के लिए मुझे जयपुर जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों मेरी एक ही अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर के लिए सूची नहीं भेजने पर क्या कार्रवाई करेगा और कब इन नामों पर अपनी मुहर लगाता है। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर।